राम राम भाई सारे ने। दोस्तों हाल ही में वीवो ने अपनी V29 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, तो आज का वीडियो हम कंपैरिजन करेंगे वीवो V29 का वीवो T2 Pro 5G के साथ में। देखेंगे किसमें हमें बेस्ट कैमरास मिल जाते हैं, किसमें नेक्स्ट लेवल गेमिंग मिल जाएगी एंड कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन के बारे में। Vivo V29 5G के फ्रंट में आपको ग्लास दिया गया है एंड इस फोन के बैक पर भी ग्लास दिया जा रहा है। वहीं इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक से बना हुआ है। इस फोन में आपको रियर में 3 कैमरास मिल जाते हैं। बात करें वेट की, इस फोन का वेट 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.46 mm है। दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G के रियर में आपको ग्लास दिया गया है एंड इसके फ्रंट में भी ग्लास दिया गया है एंड इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक से बना हुआ है। इस फोन का वेट 175 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.36 mm है। Vivo T2 Pro में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स में कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। सो आप दोनों में से कौन सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। Vivo V29 5G में 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी जा रही है। साथ ही में इस फोन में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी दी जा रही है। ऑन द अदर हैंड Vivo T2 Pro 5G में 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी जा रही है। साथ ही में यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जा रहा है। तो भाई स्मूथनेस आपको दोनों में अच्छी मिल जाएगी, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा जब भी आप दोनों स्मार्टफोन्स में गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है, तो आउटडोर यूजर्स के लिए दोनों स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। आप डायरेक्ट लाइट में किसी भी तरह के आर्टिकल को रीड कर सकते हो, मूवीज वगैरह को देख सकते हो, वहां पर आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है जो काफी फास्ट अनलॉक होता है एंड इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में HDR10+ एंड Wide 1 LMN का भी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Netflix एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया अनुभव मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हैं। दोनों में आपको काफी अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, काफी वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन Vivo V29 5G डिस्प्ले के मामले में और ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। सो अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट को वॉच करते हो तो आपको Vivo V29 5G के साथ में जाना चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। Vivo V29 5G में 4600 mAh की बैटरी दी जा रही है जो 80 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो काफी बढ़िया चीज है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G में 4600 mAh की बैटरी दी जा रही है जो 66 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही में इसमें IP52 की रेटिंग दी जा रही है एंड बुरी चीज मैं आपको बता दूं, दोनों स्मार्टफोन्स में सिंगल स्पीकर दिए जा रहे हैं, किसी में भी डुअल स्पीकर नहीं दिए जा रहे हैं, जो काफी ज्यादा बड़ा लेट डाउन है। काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है। इवन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं एंड दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी में भी NFC सपोर्ट भी नहीं मिलता है। वेल मैं आपको बता दूं, Vivo V29 में IP54 की रेटिंग दी जा रही है, तो ये स्मार्टफोन पानी के छींटों को या फिर धूल के कणों को सह सकता है। और अगर आपको एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको Vivo V29 5G के साथ में जाना चाहिए। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी आराम से एक दिन तक चल जाएगी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स FunTouch OS 13 पर रन करते हैं एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में Android 13 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। वेल दोनों स्मार्टफोन्स में 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे जो फ्यूचर के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन एक बुरी चीज है दोनों में ही है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको भर भर के ब्लॉटवेयर दिया जा रहा है, इनके UI में आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि उन्हें आप डिसेबल कर सकते हो, ब्लॉटवेयर को रिमूव कर सकते हो, लेकिन भाई वो हम जैसे यूजर्स को एक अच्छा अनुभव प्रदान नहीं करता है। बात करें 5G कनेक्टिविटी की, Vivo V29 5G में 8 5G एंड ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं Vivo T2 Pro 5G में 10 5G एंड ऑफर किए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में एंड मैं आपको बता दूं, Vivo ने यहाँ पर काफी बड़ा गेम खेला है। V29 5G में Snapdragon 778G का प्रोसेसर दिया जा रहा है, यह 6nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड आता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G में Dimensity 7200 का प्रोसेसर दिया जा रहा है जो 4nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड आता है। दोनों स्मार्टफोन्स में 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज दी जा रही है। दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम टाइप मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज भी मिल जाती है। मतलब कहने का यह है, ये दोनों स्मार्टफोन्स आपके डेली यूजर्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, उसमें आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों में से गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो इसका आंसर है यहाँ पर आपको Vivo T2 Pro 5G को परचेस करना चाहिए गेमिंग के लिए, बिकॉज इस फोन का N22 स्कोर 7 लाख प्लस आता है।
तो आप इसे स्मार्टफोन में हैवी गेम्स जैसे कि सीओडी मोबाइल एंड बीजीएमआई जैसे गेम्स को बड़ी आसानी से खेल सकते हो। उसमें आपको काफी स्मूथ गेमिंग मिल जाएगी, वहां पर आपको कोई भी लैग वगैरह नहीं मिलेगा। V29 5G में थोड़ी देर के लिए आप सीओडी एंड बीजीएमआई जैसे गेम्स को खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आप सोच रहे हो आपको इसे स्मार्टफोन को लगातार 5-6 घंटे की गेमिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए, तो आप इसे स्मार्टफोन को परचेस मत करना। तो अगर आपको दोनों में से गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आपको Vivo T2 Pro 5G के साथ में जाना चाहिए। फाइनली अब बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। Vivo V29 5G में मेन सेंसर 15 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS एंड इसमें सैमसंग का GN5 सेंसर यूज किया गया है। सेकंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया जा रहा है एंड थर्ड 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जा रहा है। वहीं इस फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G में मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, सेकंड 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर दिया जा रहा है एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जा रहा है। आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K तक वीडियोस को शूट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से किसमें हमें बेस्ट कैमरा दिया जा रहा है। Vivo V29 5G से आप डे लाइट में अच्छी इमेजेस ले सकते हो, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं एंड अच्छी डायनेमिक रेंज भी मिल जाती है एंड रात में भी ये आपको डिसेंट से शॉट्स दे देता है। वहीं Vivo T2 Pro 5G से आप डे लाइट में काफ़ी अच्छी इमेजेस ले सकते हो, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, अच्छी डायनेमिक रेंज मिल जाती है एंड अच्छी डिटेल्स भी मिल जाती हैं एंड रात में भी ये आपको अच्छे शॉट्स दे देता है। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स कैमरास के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे, लेकिन और ज़्यादा अच्छे कैमरास के मामले में Vivo V29 5G थोड़ा आगे निकलता है। सो आपको Vivo V29 5G के साथ में जाना चाहिए अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए। तो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। Vivo V29 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका प्राइस 32,999 रुपये रखा गया है। Vivo T2 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका प्राइस 23,999 रुपये रखा गया है। अब सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपको अंडर 25,000 रुपीज एक बेस्ट गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको बढ़िया डिस्प्ले एंड डिजाइन भी मिल जाए, तो Vivo T2 Pro 5G आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन वहीं अगर आपको एक अच्छी डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए एंड बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको Vivo V29 5G को परचेस करना चाहिए। तो भाई यही था दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।